हाँ तो दोस्तों, अब हम मुनस्यारी के लिए निकल चुके हैं और हमने चकोरी देख लिया है। अच्छा खासा सीनिक व्यू है यहाँ पे, दो चार टी गार्डन है और हिमालय की जो चोटियां हैं वो तो अभी नीट क्लियर दिखी नहीं है, क्योंकि क्लियर नहीं है मौसम। जब बरसात हो जाती है उसके बाद साफ दिखता है एक तो, और या फिर सर्दी का समय हो अक्टूबर नवंबर का, तब साफ दिखता है। मगर काफी अच्छी जगह है, ठंडी जगह है, आप यहाँ पे आइए और आनंद लीजिए चकोरी का। अभी हम मुनस्यारी के लिए निकल रहे हैं। हम मुनस्यारी चकोरी से 96 किलोमीटर के करीब है, और इसको लगा के रख बेटा, लगा के रखो, लगा के रखो। चकोरी से 96 किलोमीटर दूर है, तो हम आज मुनस्यारी रुकेंगे और आपको मुनस्यारी दिखाते हैं आज। थोड़ा सा यहाँ पे पेट्रोल का इशू है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल जो है वो प्रॉपर ढंग से सप्लाई जो है वो नहीं आ पाती है, तो आप अपना पेट्रोल का फुल इंतजाम करके जरूर आइए। जैसे अभी मेरे को दिक्कत आ रही है, वैसे थल में बोल रहे हैं दो पेट्रोल पंप है। बागेश्वर रोड पे, बागेश्वर से जब हम आ रहे थे चकोरी, तो बीच में दो पेट्रोल पंप पड़े थे जिसमें पेट्रोल नहीं था, सप्लाई नहीं थी। या उनका कोई और इशू होगा मुझे पता नहीं, मगर सप्लाई नहीं थी वहाँ। मगर थल में बोल रहे, थल में आपको पेट्रोल मिल जाएगा, थल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम थल में पेट्रोल भराएंगे और उसके बाद आगे मुनस्यारी के लिए बढ़ेंगे। और जो सीनिक व्यू है कितना अच्छा है, आगे दिखाइए बेटा, आगे दिखाओ सामने। बहुत अच्छा एरिया है, ठंडा एरिया है, लोग तभी यहाँ पे आते हैं क्योंकि एक अच्छा इलाका है, ठंडा इलाका है, लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल में और देखते रहिए मेरा चैनल बी क्रिएटिव इंजॉय प्रेजेंट लाइफ, और मुनस्यारी की सैर कराते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, मुनस्यारी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मुनस्यारी पर्यटन स्थल भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, और यह बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और मुनस्यारी भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। मुनस्यारी इतनी सुंदर जगह है कि उत्तराखंड के छोटे कश्मीर के नाम से इसे जाना जाता है। और मुनस्यारी में बर्फ़ से ढके पहाड़ों का सुंदर पर्वतीय स्थल आपको एक बहुत ही अचंभित करेगा। और दोस्तों, इस समय अभी मुनस्यारी अपनी कुदरती प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण बहुत लोकप्रिय स्थान बन गया है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर स्थान दिख रहा है ये, और ये जो हम अभी जा रहे हैं चकोरी से मुनस्यारी, एक्चुअली में ये इतना सीनिक व्यू है कि आप इस रूट को देखते ही बड़ा खुशी महसूस होगी आपको, और आपको ऐसा महसूस होगा कि ये रास्ता कभी ख़त्म ना हो और हम चलते रहें और ये सुंदरता देखते रहें। तो दोस्तों, मुनस्यारी की सैर कीजिए हमारे साथ और देखिए कितने सुंदर पर्वत आ रहे हैं, और साथ में नदी भी है, नदी भी आएगी आगे। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा रूट लगा और मैंने प्रकृति को बिल्कुल पास से देखा और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो दोस्तों देखते रहिए और मज़ा लीजिए मुनस्यारी का। दोस्तों, मुनस्यारी में देखने लायक कम से कम 10-11 स्थान हैं, मगर सबसे फेमस जो है वो है आपका खलिया टॉप, जो कि ट्रैकिंग है 3 किलोमीटर आना 3 किलोमीटर जाने की, बहुत ही अच्छी ट्रैकिंग है, वहाँ पर ज़रूर जाइए। इसके अलावा दोस्तों मतकोट है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, और बिरती फॉल है, बिरती फॉल भी एक बहुत अच्छा, आप उसमें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, नहा सकते हैं, फॉल को देख सकते हैं, और धारचूला जा सकते हैं। नंदा देवी टेम्पल है, और एक मिलाम ग्लेशियर है जो कि 48 किलोमीटर दूर है आपका मुनस्यारी से। तो दोस्तों इन जगहों को ज़रूर देखिए और आनंद लीजिए। आप क्या नाम है मुनस्यारी का?
दोस्तों अभी हम पेट्रोल भराएंगे, अगर मुंशियारी रोड पे पेट्रोल पंप है और ये जगह थल का मार्केट है, तो देखते हैं पेट्रोल पंप तो मिल गया है। सामने दिखाओ बेटा, ये है थल का पेट्रोल पंप, यहाँ से पेट्रोल भरा लीजिए। वैसे मुंशियारी में भी पेट्रोल पंप है, अगर आप यहाँ से भरा लीजिए, क्योंकि गढ़वाल में बड़ा शॉर्टेज होती है पेट्रोल की। दोस्तों हम यहाँ से पेट्रोल भरा रहे हैं, जो कि ये थल जगह है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा इशू है पेट्रोल का, सप्लाई का, मुंशियारी में मिले ना मिले, इसलिए यहाँ से आप भरा लीजिए जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा सा सीन अलग है। दोस्तों ये हमारी कुमाऊं की यात्रा आपको कैसे लग रही है हमें ज़रूर बताएं। इस समय ग्रीष्म काल है, जून का महीना है, और हम कुमाऊं की यात्रा पर निकले हुए हैं। सबसे पहले हमने आपका मुक्तेश्वर देखा, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है, दिल्ली से 360 किलोमीटर है, और सबसे अच्छी जगह मुझे कुमाऊं में यही लगी। अगर कोई आदमी वहाँ रहना भी चाहता है, बसना चाहता है, तो वो भी ऑप्शन है वहाँ पे, आप अपना एक सेकेंड होम बना सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं। मुक्तेश्वर का मेरा ब्लॉग है, वो मैं आपको यहाँ आई लिंक डाल देता हूँ, उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद मुक्तेश्वर के बाद दोस्तों हम अल्मोड़ा गए, और अल्मोड़ा भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे हमने कसार देवी टेम्पल, कटारमल सूर्य मंदिर, नंदा देवी टेम्पल और अल्मोड़ा सिटी देखा, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। उसका भी ब्लॉग बना रखा है अल्मोड़ा का, आप वो देख सकते हैं आई बटन में। और इसके बाद दोस्तों अल्मोड़ा के बाद हम गए चकोरी। चकोरी दोस्तों एक रिमोट एरिया टाइप का है, बिल्कुल छोटा सा गांव टाइप का है, मगर वहाँ पे आपको रहने में आनंद आएगा। ऊंचाई पे है और ठंडक रहती है, और वहाँ पे हमें समय बिताना अच्छा लगा। एक दिन हम रुके वहाँ, और क्योंकि हमारे डेस्टिनेशन से काफ़ी दूर था, तो बीच में हमें स्टे भी करना था, तो हम चकोरी में रुके और चकोरी में आनंद लिया हमने एक दिन, और बड़ा आनंद आया। तो इसका भी मैं आपको लिंक डाल देता हूँ, आप देखिए और आनंद लीजिए चकोरी ब्लॉग का। और आज हम दोस्तों अपने ड्रीम डेस्टिनेशन जो है मुंशियारी जा रहे हैं, और मुंशियारी में दो हमारे टारगेट हैं, एक तो मुंशियारी को एक्सप्लोर करना, और एक अलग से मुंशियारी में खलिया टॉप ट्रैक है, उसको करना है। खलिया टॉप ट्रैक का मैं ब्लॉग डाल चुका हूँ, तो आपको आई लिंक पे मैं दे देता हूँ, उसको भी देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही हमें आनंद आया। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब भी मुंशियारी जाएँ तो खलिया टॉप ट्रैक है उसको ज़रूर करें और उसका एक्सपीरियंस लें, क्योंकि ऊपर जाके एक अलग ही देखने की चीज़ है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाहे आप कौन से कोई भी मौसम में जाएं, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, ये मेरा दावा है। और दोस्तों हमने इसके अलावा मुंशियारी सिटी को एक्सप्लोर किया, वहाँ पे होम स्टे में रहे, और होम स्टे दोस्तों एक्चुअली में यहाँ पे एक सीन है, सरमोली गाँव है, सरमोली विलेज ऑफ होम स्टे के नाम से ही प्रचलित है। तो आप मुंशियारी में सरमोली विलेज में जाइए, वहाँ पे होम स्टे काफ़ी बने हुए हैं, वहाँ पे रुकिए और एक लोकल की तरह रह के आनंद लीजिए। मुंशियारी छोटा सा सिटी है, मगर आपको बहुत आनंद आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का वेदर इतना अच्छा है कि आप इंजॉय करेंगे जून के महीने में भी। तो दोस्तों आज मुंशियारी हम जा रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात है, अभी रास्ते में मिर्ती फाल पड़ने वाला है, और जिसे हम देखेंगे और आनंद लेंगे, क्योंकि वो फाल देखने का बड़ा बच्चों का बड़ा क्रेज़ था, तो वो भी देखेंगे, और उसमें हो सके तो हम नहाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल बी क्रिएटिव इन्जॉय प्रेजेंट लाइफ, मैं आपको मुंशियारी दिखाता हूँ। दारचूला वही है लास्ट, नेपाल के साथ में दारचूला बना। तो दोस्तों ये नाचनी आ गया है, यहाँ से बिट्टी फाल 25 किलोमीटर दूर है। यार पूजा हमारे को
दोस्तों ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को और नदियों को और पेड़ों को और झरनों को देख के ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता कभी भी रुके ना और चलता रहे और मैं ऐसी ही सुंदरता देखते रहूं। और ये इतना सुंदर रास्ता लग रहा है कि आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा इस चीज़ को देखने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ की जंगली फल टाइप का है, ये बच्चे लोग खाते हैं, उन्होंने हमें दिया था। और देखिए दोस्तों कितना सुंदर, बिल्कुल वैली इतनी अच्छी है कि आपको आनंद आ जाएगा यहाँ पे ट्रैवलिंग करने में। और झरने बीच में आते हैं छोटे छोटे, उनको देख के और भी आनंद आएगा। देखिए दोस्तों बिरसी फॉल का झरना सामने हमें दिख रहा है और हमें यहीं पे जाना है और नहाना है और एक्सप्लोर भी करना है। तो देखिए बने रहिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है झरना यहाँ से। दोस्तों इस समय हम बिरसी फॉल पहुँचने वाले हैं और दोस्तों बिरसी फॉल जो है वो मुनस्यारी से 30 किलोमीटर पहले घने जंगलों के बीच पड़ता है। और दोस्तों गर्मी और इसकी जो खासियत ये है कि गर्मियों में भी पानी की मात्रा यहाँ पे कम नहीं होती है। और एक्चुअली में ये खलिया टॉप है जो दक्षिणी भाग है, जो वहाँ से बर्फ पिघल कर इसको जीवनदान देती रहती है और बरसात में बिरसी फॉल का पानी काफ़ी बढ़ जाता है। दोस्तों 400 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ दूधिया झरना आपको देख के ना बिल्कुल रोमांच हो जाओगे, आप रोमांचित हो जाओगे और आपका मन करेगा कि आप को नहा लिया जाए यहाँ पे। और दोस्तों इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यहाँ पर गेस्ट हाउस भी बना रखा है जो गर्मी के मौसम में सैलानियों के लिए खचाखच भरा रहता है। तो दोस्तों देखिए जैसा कि हम बिरसी फॉल देख रहे हैं, देखिए कितना सुंदर गिर रहा है झरना 400 फीट की ऊँचाई से और ये आपको रोमांचित कर देगा और आपको मजबूर करेगा कि आपको नहाया जाए यहाँ पे। एक्चुअली में वहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा था तो हम आगे फॉल की तरफ गए नहीं, सिर्फ आगे ही हमने नहाए तो बड़ा आनंद आया हमें और बिरसी फॉल का नज़ारा बनते बनता। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि ये जो ये डेस्टिनेशन है जो कि रोड के समीप ही है और वहाँ पे आपको पार्किंग भी मिल जाएंगी और खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएंगी। थोड़ा सा डेस्टिनेशन अंदर की तरफ जाता है, बस एक 10-15 रुपये की टिकट लगेगी, उससे आपको अपना आराम से अंदर जा सकते हैं और रोड पर गाड़ी खड़ी करके आराम से आप यहाँ का इंजॉय कर सकते हैं बिरसी फॉल का, ये आपको रोमांच कर देगा। तो जरूर आइए बिरसी फॉल में और बिरसी फॉल का आनंद लीजिए।
दोस्तों यहाँ पे जाम लगा हुआ है, जैसा कि पहाड़ों में भी जाम लग जाता है। एक ट्रक फंस गया है, तो इसको हम निकालने के बाद ही हम आगे बढ़े और अच्छा झरने भी आए। अब खाने का भी समय हो रहा है, तो हम आप खाते हैं खाना और आपको भी दिखाते हैं। तो कुमाऊनी खाना के भी अलग ही जायका है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, ये कुमाऊनी खाना, ये है बड़ी सी थाली और ये हरी सब्जी है और ये अचार है, ये भांग की चटनी है, ये कड़ी है और ये राजमा है। और हम हाईवे में आनंद लेते हुए यही दाल होती है कुमाऊं की, बड़ी सी थाली। सभी को नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है मेरे चैनल बी क्रिएटिव एंजॉय प्रेजेंट लाइफ में। और दोस्तों आज हम मुंशियारी में हैं और ये इटवाल होम स्टे के नाम से जगह है जो कि मुंशियारी में है। और देखिए पूरी पंचाचुली, वेदर बिल्कुल अच्छा हो रखा है और सनराइज हो रहा है वहां से। तो देखिए और पूरी मुंशियारी सिटी दिखाइए जरा, मुंशियारी सिटी दिखाओ बेटा। देखिए पूरी मुंशियारी सिटी है, छोटी सी, और सब रात में बहुत अच्छी सुंदर लग रही थी। तो ये है, अभी हम तैयार होके खजिया टॉप जा रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बन रहा है हमारा, और यहाँ के हमारे होम स्टे के जो ओनर है बहुत अच्छे, इनसे बात भी करी हुई, यहाँ के पूरे एरिए के बारे में जानकारी हमने ली। तो अभी हम मुंशियारी बिल्कुल मॉर्निंग के 7 बजने वाले हैं, 6:30 बजे या 7 बजे के बीच हम निकल जाएंगे यहाँ से। और काफी अच्छा रहा है, ये मुंशियारी सिटी बहुत सुंदर है और काफी अच्छा है। और जो ये होम स्टे हमने ले रखा है वो भी काफी अच्छा है। एक बार होम स्टे का अंदर का रूम का टूर कराओ और फोन करो, इसे ओके कर दे। हाँ तो आपको, आप कहाँ पे हो पहले तो बताइए। मुंशियारी। और आपको मुंशियारी जो सिटी है वो कैसा लग रहा है? अच्छा है, शांत है। और देखिए कितना सनराइज हो रहा है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ तो आपको मुंशियारी कैसा लगा ये बताइए। अच्छा। और ये जो होम स्टे है नेतवाल होम स्टे जो कि मुंशियारी में है, थोड़ा सा क्राउड से दूर है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ का खाना और रहना? बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। और सब कुछ बहुत नेचुरल है, इन्होंने सब कुछ उगा रखा है। हाँ वो मैं आपको इनका खेत भी दिखा देता हूँ, यहीं से दिखती है वो। देखिए इनकी नर्सरी, ये नर्सरी का यहाँ पे देखिए छोटी सी नर्सरी भी बना रखी है इन्होंने। और वहाँ पे देखिए खाना वाना लगा रखा है, वहाँ पे देखिए वो खाना बन रहा है। किचन है इनकी और सब चूल्हे में बन रहा है, सबसे बड़ी बात ये। तो ये चीज है, अरे पूरा मुंशियारी सिटी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। दोस्तों इस समय हम सरमौली का जो होम स्टे है नेतवाल होम स्टे, उसकी नर्सरी में हैं, जहाँ पे ये देखिए इतने अच्छे ऑर्गेनिक आलू उगा रखे हैं, सेम उगा रखी है, करेले उगा रखे हैं और भी तरह की चौलाई उगा रखा है, पालक उगा रखा है, प्याज भी उगा रखा है। और उस नर्सरी में जो उस टाइप का जिससे बरसात आने पर ख़राब हो जाते हैं पौधे, वो लगा रखे हैं। और एक अच्छा ऑर्गेनिक हमने यहाँ पर भोजन करा और बड़ा ही आनंद आया। इनकी जो किचन है वहीं पास में है, मैं भी आपको जाके वहाँ दिखाता हूँ। आइए आप एक बार देखिए इनके यहाँ पे जो अंदर उगा रखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमें कि इस समय जो हमने सब्जियाँ खाई, जो यहाँ की लोकल सब्जियाँ थी, और बड़ा आनंद आया इनको खा के। पतेड़ू की बीज सब्जी खाई हमने, और यहाँ का पहाड़ी जो खाना है, चावल दाल, गहत की दाल, भट्ट की दाल, और ये देखिए दोस्तों कितने सारे यहाँ पे ये सेम उगा रखी इन्होंने, जो कि ओलावृष्टि से ना थोड़ा सा वो खराब हो जाती है, उस टाइप का यहाँ पे उगा रखा है, या बंदर खा जाते हैं तो उसको सेफ रखने के लिए यहाँ पे उगा रखा है, या तेज़ बारिश होती है यहाँ पे अलग है हिसाब किताब थोड़ा सा। तो जड़ वाली चीज़ें हैं वो बाहर हैं, और वैसे जो टूटने वाली चीज़ें वो नर्सरी के अंदर उगा रखी है। बड़ा ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे भोजन करके, और इनकी जो पारंपरिक रसोई है वो काफ़ी अच्छी थी, बिल्कुल जो कि चूल्हे में जो खाना बनता है वो खाया हमने। और ऊपर देखिए पूरा होम स्टे, बड़ा अच्छा होम स्टे है, मेन रोड पे ही है ये, और यही सरमौली विलेज है,
जो कि जिसे वहाँ से दिखूंगा मैं, इधर से दिखूंगा ऐसे बता दिया। हाँ तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है मेरे चैनल वी क्रिएटिव इंजॉय प्रेजेंट लाइव में। और दोस्तों आज हम मुनस्यारी से निकल रहे हैं पाताल भुवनेश्वर के लिए, और जो पाताल भुवनेश्वर है वो यहाँ से 128 किलोमीटर दूर है। तकरीबन हमारा सेम रास्ता ही रहेगा क्या नाम है उद्यारी बैंड तक, जो कि थल से आ गया है। उसके बाद बेरीनाग होते हुए हम पाताल भुवनेश्वर जाएंगे। तो थल है जो यहाँ से 72 है और कर्णप्रयाग यहाँ से 225 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर, और हमने जो यहाँ पे देखा वो खलिया टॉप देखा एक तो, और यहाँ का जो पंचाचुली पीक है वो देखिए। और सबसे आनंद आया हमारे को जब हमने ट्रैकिंग करी थी खलिया टॉप पे, जो कि शानदार रही हमारी, बच्चे भी थके नहीं। हाँ मगर ये एक मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी आप निकलते हो ट्रैकिंग के लिए तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ तो बेस्ट है, और अपना खाना पीना पानी सब साथ लेके जाइए, वो बढ़िया रहेगा। उससे ये है कि आपको ऊपर वहाँ पे वैसे मिल जाता थोड़ा बहुत मैगी वैगी, मगर जो है उसका कौन सा रूट है, यही रूट है थल वाला। तो दोस्तों तो मैं बता रहा था ट्रैकिंग के लिए आपको पूरा क्या नाम है, सुबह मॉर्निंग में निकल जाइए और शाम को आप आराम से 2-3 बजे तक नीचे आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर जो ज़्यादा भी स्लो भी है तो वो भी शाम तक आराम से 6 बजे तक खलिया टॉप के नीचे आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ का एक दो और स्पॉट है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। नैनादेवी भी टेम्पल यहाँ से 8 किलोमीटर है, और एक कोई कुंड है यहाँ पे पास में, कोई झील सी है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। तो अब देखते हैं हम 128 किलोमीटर यहाँ से पाताल भुवनेश्वर है, और अब हमारे को जो टाइमिंग दिखा रहा है 4:30 का दिखा रहा है गूगल मैप, और अभी हमारा रास्ता थल तक, थल से भी बेरीनाग तक सेम रहेगा। उसके बाद हमारा थोड़ा सा चेंज होगा रास्ता 27 किलोमीटर। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल बी क्रिएटिव इंजॉय प्रेजेंट लाइव, और हमारे साथ एक्सप्लोर करिए पाताल भुवनेश्वर कुमाऊँ की यात्रा। अभी हमने कुमाऊँ में पहले मुक्तेश्वर देखा, मुक्तेश्वर के बाद आपका मुक्तेश्वर के बाद अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के बाद चकोरी, चकोरी के बाद मुनस्यारी। अब मुनस्यारी के बाद हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर, और पाताल भुवनेश्वर के बाद आगे का प्लान हम बनाएंगे, जो कि हमें देहरादून निकलना है। तो हम वो कैसे निकलेंगे, हमारे कुछ रिलेटिव बीच में रहते हैं, शायद वहाँ स्टे करें। और दोस्तों ये टाटा नैनो गाड़ी है, अभी तक ये बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट में जब हम आ रहे थे मुनस्यारी से थोड़ा कई जगह एक आध जगह प्रॉब्लम ज़रूर आई थी, मगर और बाकी वेल एंड गुड रहा, कोई टूर में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कहीं कहीं पे सड़क ज़रूर थोड़ा सा वो है, प्रॉब्लम वाली है, तो वहाँ पे आप पेशेंस रख के गाड़ी चलाइए। दोस्तों एक बात मैं और ध्यान आपको बताना चाहता हूँ कि जो ड्राइविंग है यहाँ पे पेशेंस का ही मामला है और कुछ नहीं। यहाँ कोई स्पीड नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको कितनी आपकी ड्राइविंग स्किल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मगर स्पीड का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक तो पहले बैंड है, फिर थोड़ा सड़क भी कहीं कहीं ख़राब आ जाती है। तो आप एक कांस्टेंट स्पीड में जो आपकी है 30-40, पहाड़ों में इतना ही चलता है, बाकी सेफ जो होता है, बाकी वो आपकी मर्जी, आप कितने स्किल हैं पर्सन ड्राइविंग में, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेरी नैनो है, ये नैनो यहाँ तक पहुँच गई है, और मैं नैनो से काफ़ी जगह मैंने सफ़र किया है, और एक ये डेस्टिनेशन भी है मुनस्यारी वाला, एक मेरा तुंगनाथ वाला था वहाँ पे भी मैंने करा था, वो अभी तक तो ये अच्छे परफॉर्म कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी अब जो यात्रा आगे पाताल भुवनेश्वर के लिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल बी क्रिएटिव इंजॉय प्रेजेंट लाइव। धन्यवाद।